Hello students, welcome to maths class. I am Anpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 11, money. In previous video, I had explained you exercise 11.1. In today's video, I am going to explain you exercise 11.2. So let's start. Your question is, make the bill in each case and find the total money due in the each bill. आपको क्या बनाना है बेटे? You have to make a bill. ठीक है, जो बहुत प्रॉब्लम दी इनमें आपको बिल बनाना है और टोटल मनी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो बिल आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहां पर जो शॉपकीपर है, जब आप कोई सामान खरीद लेते हो उसके बाद आपके पेरेंट्स को बिल देता है, तो सेम बिल हम अभी बनाएंगे. ठीक है, आपके पास क्या क्या खरीदा हुआ है? आपने फुटबॉल जिसकी कॉस्ट है 96.75, देन विसिल for rupees 25.80 and a cap for rupees 48.90. So हमारा bill कैसे create होगा? You will write like this bill. फिर आपको pencil और scale की help से line draw करनी है. First thing जो आपने खरीदी है, that is football. So you will write the name football. ठीक है, उसके बाद उसके जो cost है वो उसके सामने write down करनी है, rupees 96.75. नेक्स्ट आपने क्या खरीदा है? विसिल. सो आप यहां पर लिखोगे विसिल रुपीज 25.80. सो राइट लाइक दिस. नेक्स्ट आपके पास है कैप फॉर रुपीज 48.90. अब हमें क्या करना है इसका टोटल, तो आप क्या लिखोगे यहां पर? टोटल, तभी आपके पास अमाउंट आएगा. ठीक है, तो टोटल के लिए आपको इन सबको प्लस करना है. सो अब हम इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 + 0 = 5 = 0 = 5. ठीक है, नेक्स्ट 7 + 8 आपके पास कितना आ जाएगा? 15 + 9, तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24. काउंटिंग ध्यान से करनी है. ठीक है, सो 2 carry 4, उसके बाद डेसिमल. नेक्स्ट 6 + 2 = 8 + 8 = 16 16 + 5, तो आगे 17 18 19 20 21. सो 2 carry और 1 आपका यहाँ. ठीक है, देन 9 + 2 = 11 11 + 2 = 13 13 + 4 = 17. सो आपके पास अमाउंट कितना आ गया जो आपको बिल में पे करना है? रुपीज 171 रुपीज एंड 45 पैसे. ठीक है, नेक्स्ट इसका सी पार्ट हम समझेंगे. अगेन आपने क्या क्या खरीदा है? बुक्स खरीदनी है, नोटबुक्स एंड द पेन्स. तो अब हम इनका बिल क्रिएट करेंगे. सो राइट बिल, और जो जो आपने आइटम्स खरीदी हैं उनका नेम और कॉस्ट लिखनी है. बुक्स रुपीज 315.75. नेक्स्ट है नोटबुक्स रुपीज 202.70, और नेक्स्ट आपने क्या खरीदा है? पेन्स, वो है रुपीज 56.80. तो इस नंबर को ध्यान से लिखना है ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, इसमें हमारे पास वंस और टेंस प्लेस ही दी है. ठीक है, नेक्स्ट हम टोटल करेंगे तो आपको इन सबको क्या कर देना है? प्लस. राइट द टोटल. फाइव में जीरोस प्लस किए, 5 आ गया. नेक्स्ट 7 + 7 = 14 14 + 8 = 22 2 और 2 आपका यहाँ कैरी. देन 5 + 2 = 7 7 + 2 = 9 9 + 6 आपके पास कितना आएगा? काउंटिंग कर सकते हैं, 10 11 12 13 14 15. ठीक है, सो 1 carry और 5 यहाँ पर. 5 + 1 = 6 6 + 1 = 7. नेक्स्ट 3 + 2 = 5, तो आपके पास बिल कितना आ गया? 575 रुपीज 25 पैसे. सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर ईच बिल शो बिलो अ रुपीज 2000 रुपीज नोट वॉज गिवन टू अ शॉपकीपर.
आपके पास एक बिल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपने 2000 रुपी का नोट एक शॉपकीपर को दिया, फाइंड द अमाउंट रिटर्न्ड इन ईच केस। तो आपको ये बताना है कि आपको शॉपकीपर ने कितना अमाउंट, मतलब पैसे कितने वापस दिए, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए आपको कि आपका जो बिल था वो कितने रुपीज का था। तो पहले हम बिल को करेंगे क्रिएट, आपका बिल क्रिएट है, हमें इसका टोटल भी फाइंड आउट करना है, तो हम इसको सिर्फ प्लस करेंगे। तो यहाँ पर जीरो से पुट द जीरो, देन 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, 2 और 1 आपका कैरी, 5 + 1 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 3 = 11, अगेन 1 कैरी, 2 + 1 = 3, 3 + 7 = 10, 10 + 2 = 12, 1 कैरी, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, एंड 5 + 5 = 10। सो आपका बिल कितने रुपीज का है? 1021 रुपीज 20 पैसे, और आपने कितने अमाउंट दिए? 2000। तो आपको रिटर्न मनी कैसे फाइंड आउट करने, जो आपका टोटल रुपीज आपने दिए हैं शॉपकीपर को उसमें से हम बिल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैंने यहाँ डेसिमल के बाद जीरोस क्यों पुट किए, क्योंकि बेटे मेरे पास यहाँ पैसे भी आ रहे तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब आप अपना जो बिल है वो लिखोगे, दैट इज 1021.20। सो आपको रिटर्न मनी कैसे पता चलता है, सब्ट्रैक्ट करकर। अब आपको जीरो में से जीरो माइनस किया, जीरो आ गया, नेक्स्ट ये माइनस नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर बोरो करोगे, ठीक है। सो बोरो के लिए यहाँ पर 10 बन जाएगा और बाकी सब नंबर्स में 9 और यहाँ पर प्रीवियस नंबर 1। सो 10 - 2 = 8, 9 - 1 = 8, 9 - 2 = 7, 9 - 0 = 9, 1 - 1 = 0। सो आपको शॉपकीपर कितने रुपीज वापस करेगा? 978.80, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन 3। योर क्वेश्चन 3 इज जैक हैड रुपीज 610, जैक के पास 610 रुपीज है, ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज फॉर रुपीज 412.30, इतने रुपीज के उसने शूज खरीद लिए, एंड अ पेयर ऑफ ग्लव्स, और ग्लव्स कितने रुपीज के खरीदे? 45.50 रुपीज के। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, उसके पास कितने पैसे बचे? तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो दो आइटम्स उसने खरीदी हैं, शूज और ग्लव्स, इनका टोटल करके हम जो उसके पास मनी थे उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट वो वाला आ जाएगा जो उसके पास बचा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ शूज हमें दी है रुपीज 412.30, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ग्लव्स दे रखी है आपको, सो कॉस्ट ऑफ ग्लव्स रुपीज 45.50, तो आप ये राइट डाउन कर दो। अब हमें इसको प्लस करना है कि हमने सामान कितने का खरीदा है, तो हमारा बिल कितने का, ठीक है। 0 + 0 = 0, 5 + 3 = 8, देन 5 + 2 = 7, 4 + 1 = 5, एंड नेक्स्ट 4। सो आपके पास बिल कितने रुपीज का है? 400 रुपीज 57, ठीक है, 457 रुपीज 80 पैसे। अब आपको टोटल में से इसको माइनस करना है, क्योंकि टोटल रुपीज आपके पास 610 है एंड 0 पैसे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट योर बिल, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो आपके पास बचेगा, 457.80। सो 0, नेक्स्ट यहां पर आपको बोरो करना पड़ेगा, ये आपका बन जाएगा 0, दिस विल बिकम 9 और ये आपका बन जाएगा 10, 10 - 8 = 2, 9 - 7 = 2, ये नहीं हो सकता तो आप अगेन बोरो करोगे 5 और ये बन गया 10, 10 - 5 = 5, 5 - 4 = 1। सो मीन्स आपके पास कितने रुपीज वापिस आएंगे? 152 रुपीज एंड 20 पैसे, ठीक है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन 1, 2, 3। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वीडियो यू कैन सॉल्व रेस्ट ऑफ द पार्ट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी।